दिस इज 92.7 बिग एफएम। वही रोजमर्रा की भाग दौड़ है, हर कोई घर से निकला है इस सोच के साथ कि रास्ते में कोई रुकावट ना आ जाए, मंजिल तक सही समय से पहुंच जाएं, जिस काम के लिए निकले हैं वो भी पूरा हो जाए, और इस बीच सफर के दौरान कोई खूबसूरत हम सफर मिल जाए तो कमाल ही हो जाए। आपका सफर सुहाना बना रहे ऐसी मंगल कामना के साथ शुरू करता हूं आपका अपना प्रोग्राम सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज के सफर में जो दास्तानें छेड़ी जाएंगी वो कुछ इस तरह हैं। फिल्म आलिंगन के दौरान ऐसा क्या वाकया हुआ जिससे अचला सचदेव के दिल को गहरी चोट पहुंची, जानेंगे आज। आगे स्टोरी होगी बिमल रॉय की। बिमल रॉय अपनी फिल्म बेनजीर के डायलॉग कमाल अमरोही से लिखवाना चाहते थे मगर बात बन नहीं सकी, क्यों? फिर हमारे रेगुलर सेगमेंट्स, तुमने पुकारा और हम चले आए, उसके बाद दिल ने फिर याद किया, जिसमें आज याद करेंगे संगीतकार जमाल सेन को। फिर सेगमेंट जो बड़ा पॉपुलर हो चला है, रीमेड इन इंडिया, और आखिर में श्रोता का प्रश्न। तो जनाब आइए करते हैं शुरुआत आज के सफर की। बात 70 के दशक के शुरुआत की होगी। फिल्म आलिंगन की शूटिंग खंडाला में चल रही थी। एक्ट्रेस अचला सचदेव भी इस फिल्म में काम कर रही थी। शूटिंग के दौरान एक दिन अचला सचदेव को खबर मिली कि उनकी बहन की डेथ हो गई है। बहन की मौत की खबर ने अचला को हिलाकर रख दिया। वो अपने बहन की अंतिम रस्मों में शामिल होना चाहती थी। अचला सचदेव ने फिल्म के डायरेक्टर सीएल धीर को इस बारे में बताया और वहां से तुरंत जाने की इजाजत मांगी, मगर डायरेक्टर ने शूटिंग का हवाला देते हुए उन्हें शूटिंग छोड़कर जाने से मना कर दिया। कमाल की बात है, डायरेक्टर की बात मानते हुए एक प्रोफेशनल की तरह कि शो मस्ट गो ऑन, अचला सचदेव रुकने के लिए राजी हो गई। मगर आने वाले अगले 5 दिन उनके लिए बहुत निराशाजनक रहे। बहन तो जा चुकी थी, लेकिन करेला उस पे नीम चढ़ा यह हो गया कि इस दौरान उनका कोई सीन शूट भी नहीं हुआ। 5 दिनों के इंतजार के बाद आखिर उनके कुछ सीन शूट किए गए, लेकिन बाद में जब अचला सचदेव ने फिल्म में सीन देखे तो उनके दिल को गहरी चोट पहुंची। इसकी 2 वजह थी। एक तो उनके सीन पर कैंची चला दी गई थी, दूसरा जो संवाद उन्होंने बोले थे उस पर उनकी जगह फिल्म की हीरोइन के क्लोजअप डाल दिए गए थे। बात 60 के दशक की है, तब हिंदी फिल्मों में उर्दू भाषा का बड़ा चलन हुआ करता था। प्रोड्यूसर डायरेक्टर बिमल रॉय बंगाली होते हुए भी ठीक ठाक हिंदी बोल लेते थे, मगर उर्दू में हाथ तंग था। बावजूद इसके हौसला था, वो उर्दू में एक फिल्म बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने गुजरे वक्त की एक प्रसिद्ध फिल्म भाईजान को पुनः बनाने का निश्चय किया। फिल्म का नाम रखा बेनजीर और डायरेक्टर साइन किया एस खलील को। उर्दू बैकड्रॉप और उर्दू माहौल होने के कारण बिमल रॉय फिल्म के डायलॉग कमाल अमरोही से लिखवाना चाहते थे। जब उन्होंने एस खलील को इस बारे में बताया तो एस खलील बोले कि ये बात करने तो आपको खुद कमाल अमरोही के घर जाना पड़ेगा। इस पर बिमल रॉय बोले, मैं क्या करूँगा जाकर, आप उन्हें यहीं बुलवा लीजिए, यहीं बैठ कर बात कर लेंगे। ये सुनकर एस खलील ने कहा, यह ठीक नहीं लगेगा सर, वो भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं और आप भी, आप उनसे लिखवाना चाहते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप वहां चलें। बिमल रॉय ने टालने की बहुत कोशिश की मगर बात बनी नहीं। तब बिमल रॉय ने एस खलील को बताया कि कमाल अमरोही बड़ी ही खालिस उर्दू में बात करते हैं जो उनकी समझ से बाहर है, इसलिए वो वहां जाना नहीं चाहते। और तब ये बात शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। बेनजीर के डायरेक्शन के साथ साथ लेखन की जिम्मेदारी भी एस खलील के कंधों पर आन पड़ी। वैसे भी फिल्म भाईजान एस खलील ने ही लिखी थी। हेलो हेलो, कौन सा बोल रहे हैं? मेरा नाम श्री भाई जाट है। जी जी, मैं गांव बठिंडा जिला जोधपुर से बात कर रहा हूँ। जोधपुर से? अच्छा अच्छा जी, जी बोलिए, नमस्कार, स्वागत है आपका। दाता से प्रणाम, चरण स्पर्श। नमस्कार जी, नमस्कार जी। मैं साहब आपको शब्दों में नहीं बता सकता मुझे कितनी खुशी हो रही है मैं आपसे बात कर रहा हूँ आज। मुझे भी खुशी है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जोधपुर के जितने भी आपके मित्र हैं, जोधपुर वासी हैं, सबको मेरे प्रणाम स्वीकार हूँ।
प्रणाम शुक्र है। आप जोशी आपका इंतजार है, कब आप अन्नकूट जी हमारी पाँव कदम रखे हैं? नहीं, प्लान तो कुछ हो रहा है, मैं बड़ा समय हो गया है मुझे जोधपुर आए हुए, काफी साल हो गए, मैं भी मचा रहा हूँ जोधपुर आने के लिए। हम आपका इंतजार कर रहे हैं, हम आपके यहाँ देख रहे हैं। जी जी जी, जोधपुर देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी आतुर हूँ वहाँ आने के लिए। एक अनुरोध आपसे, मुझे वो गाना सुना दे फिल्म क्रांति का, महेंद्र कपूर की आवाज में। कौन सी फिल्म का? फिल्म क्रांति, महेंद्र कपूर की आवाज में। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके बरस धरती कर देंगे। जी 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 जी, मैं बिल्कुल आपकी फरमाइश बिल्कुल सुनवाने जा रहा हूँ। हमसे बात करने के लिए बहुत आभारी हूँ श्री भाई। जोधपुर वासियों को, अपने परिवार के सभी सदस्यों को मेरे नमस्कार कहिएगा। नमस्कार नमस्कार। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, दिल ने फिर याद किया। आज बात करेंगे संगीतकार जमाल सेन की। संगीतकार जमाल सेन के बारे में बहुत कम जगह पर लिखा और कहा गया है। उनके बारे में शोध करते वक्त हमें कहीं भी उनके जन्म की तिथि और वर्ष की जानकारी नहीं मिल सकी। सही जानकारी के लिए हमने उनके पुत्र दिलीप सेन से बातचीत की, तो दिलीप सेन के अनुसार उनके पिता जमाल सेन का जन्म 1903 में हुआ था। वो मूल रूप से राजस्थान के चुरू इलाके के सुजानगढ़ कस्बे के रहने वाले थे। संगीत इन्हें विरासत में मिला था। इनके पूर्वज केसर जी तानसेन के शिष्य रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें केसर सेन नाम लकब में मिल गया। जमाल सेन के पिता जीवन सेन राजा महाराजाओं के दरबार में संगीत का फन दिखाया करते थे। गीत संगीत के साथ साथ जमाल सेन कथक नृत्य में भी निपुण थे। जमाल सेन ने अपने संगीत जीवन की शुरुआत एक गायक के रूप में ऑल इंडिया रेडियो कलकत्ता से की थी। ये माना जाता है कि वंदे मातरम को सर्वप्रथम 1940 में फिल्म जंगे आज़ादी में जमाल सेन ने ही गाया था। संगीतकार श्याम सुंदर ने जमाल सेन का तारुफ संगीतकार गुलाम हैदर से करवाया था, जिनके साथ सहायक के तौर पर उन्होंने अगले 12 सालों तक काम किया। जमाल सेन की प्रतिभा को पहचानकर सर्वप्रथम केदार शर्मा ने उन्हें लिया संगीत देने के लिए 1951 की फिल्म, जिसका टाइटल था शोखियाँ। फिल्म का संगीत तैयार करते समय क्लासिकल संगीत का खास तौर से ध्यान रखा गया था। फिल्म के गीत सपना बन सजन आए लता की आवाज में और दूर देश से आजा रे लता और सुरैया की आवाज में रखे गए, जो खासे लोकप्रिय रहे। शोखियां के अलावा उन्होंने दायरा, धर्मपत्नी, रंगीला, पतित पावन, अमर शहीद, आल्हा उदल, मंचली तथा घरद्वार जैसी फिल्मों को भी अपने बेहतरीन संगीत से सजाया था। उनके संगीत को सुनकर उस्ताद बड़े गुलाम अली खां उन्हें तानसेन कहा करते थे। साथ ही उस्ताद अमीर खां ने उन्हें संगीत शास्त्री की उपाधि से सम्मानित भी किया था। जमाल सेन काम मांगने के लिए कभी किसी के पास नहीं जाया करते थे। हिंदी सिनेमा में उनके पतन का यही एक बड़ा कारण रहा। 40 वर्ष की आयु में पुत्र मदन सेन की मृत्यु का उनके दिल पर गहरा आघात लगा। इस गम से उबरने के लिए उन्होंने शराब का सहारा लिया, मगर इस सदमे से कभी उबर ही नहीं पाए। और इस घटना के कुछ महीने बाद ही 12 अप्रैल 1989 को जमाल सेन ने सदा के लिए आंखें मूंद ली। जमाल सेन के बाद उनके बेटे दिलीप सेन ने अपने भतीजे समीर सेन के साथ फिल्मों में संगीत दिया। आज चौथी पीढ़ी के रूप में समीर सेन के बेटे सोहेल सेन भी इस परंपरा को कायम रखे हुए हैं। ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे 1964 की एक अंग्रेजी फिल्म की। ये फिल्म थी जहां एलेक्स फॉरेस्टर नाम का एक आदमी अपनी पत्नी के कत्ल के बाद ब्रिटिश असाइलम में एक मनोचिकित्सक डॉक्टर मार्क फ्लेमिंग की देखरेख में है। एक दिन अचानक वो यहां से भाग जाता है और मॉली थॉमस नाम की एक अकेली औरत के घर पहुंच जाता है, जिसका पति शहर से बाहर गया हुआ है। बातों ही बातों में मौली घर में घुसाए एलेक्स को बताती है कि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं है। उसी रात एलेक्स को घर में एक लाश मिलती है, मगर इससे पहले कि वो उसके बारे में मौली से पूछे, वो लड़खड़ा के गिरता है और बेहोश हो जाता है। होश आने पर उसे वो लाश नहीं मिलती है, हालांकि ये लाश बाद में पुलिस को मिल जाती है। मौली उस लाश की पहचान कर देती है कि ये उसका पति है और हत्या के लिए एलेक्स को जिम्मेदार ठहराती है। मगर
इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि मौली और मनोचिकित्सक मार्क के बीच प्रेम संबंध है, जिसके कारण दोनों ने मिलकर मौली के पति को रास्ते से हटाने के लिए उसका मर्डर किया था। फिल्म के आखिर में मार्क गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक इसी पर हिंदी फिल्म में एलेक्स का रोल प्ले किया था राजेश खन्ना ने, मौली का रोल प्ले किया था नंदा ने, मनोचिकित्सक डॉक्टर मार्क का रोल किया था गजानन जागीरदार ने। हालांकि इंग्लिश फिल्म से अलग इसमें कुछ फेर बदल किए गए थे। सबसे पहला, इसमें हीरोइन का अफेयर डॉक्टर से नहीं दिखाया गया था, बल्कि उसका अफेयर होता है पुलिस इंस्पेक्टर बने सुजीत कुमार से। दूसरा, राजेश खन्ना की वाइफ की असली कातिल होती है उसकी साली बिंदु। 1969 में आई इस फिल्म का नाम था इत्तफाक। प्रोड्यूसर थे बीआर चोपड़ा और डायरेक्टर थे यश चो। बरेली से अमित अग्रवाल ने पूछा है कि क्या आशा भोसले और कवि प्रदीप ने डुएट गाया है। हमारी रिसर्च के हिसाब से ऐसे 4 डुएट गीत हैं। 2 गीत हैं 1956 की फिल्म बसंत पंचमी से, फर्स्ट हे बादल पे मादल बाजे, हे दसों दिशाएं घाजे, और दूसरा है राजों के भी महाराज आज का दिन है आला। गीत लिखे थे खुद कवि प्रदीप ने और संगीत था चित्रगुप्त का। तीसरा गीत, तुनक तुनक बोले रे मेरा एक तारा, 1956 की यह फिल्म थी, टाइटल था राम नवमी। गीत लिखा कवि प्रदीप ने, संगीत दिया बुल्लो सीरानी ने। चौथा गीत है लाखों लोग चले हैं बिलखते, लाखों लोग चले हैं सिसकते। फिल्म का नाम अमर रहे ये प्यार, 1961 की फिल्म है। गीत कवि प्रदीप का और संगीत रामचंद्र चितलकर का। तो ये 4 गीत कवि प्रदीप और आशा भोसले ने साथ गाए। अगर आपके पास कोई इस संबंध में और जानकारी अवेलेबल हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। उम्मीद है आप हमारे इस जवाब से संतुष्ट होंगे। अब समय हो गया है आप सबसे इजाज़त लेने का, फिर भेंट होगी। आप सब खुश रहें, आबाद रहें, बरेली रहें या इलाहाबाद रहें। चलता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम।